असल फ्रेंड्स वेलकम टू फूड विध निमरा चैनल आज मैं आप सबके साथ फाइव स्टार रेस्टोरेंट स्टाइल जबरदस्ती पैरी बैट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अब भाई पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है रेस्टोरेंट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चे हों या बड़े सबको ही चीजी पैरी बैट्स की रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो आप लोग ने जल्दी से वीडियो को लाइक करना है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बिसमीम पढ़ के पैरी बैट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हंसबी जरूरत मिर्चे ली है और ये मोटी और बड़ी मिर्चे हैं आप लोग जो खाने में यूज करते हैं वो वाली मिर्ची नहीं लेनी वरना वो बहुत ही मिर्ची मिर्ची हो जाएगी आप लोगों ने इस तरीके से ना मोटी मिर्ची लेनी है और इनको आप लोगों ने बीच में से कट करने के बाद इनके सीड्स रिमूव कर देने हैं क्योंकि मिर्ची के बीच में ही ज्यादा मिर्ची होती है तो आप लोगों ने अच्छे से ना सीड्स को रिमूव करना है मिर्ची के बीच रिमूव करने से पहले आप लोगों ने हाथों में ग्लव्स पहन लेने हैं मुझसे ग्लव्स पहन के काम नहीं होता इसलिए मैंने नहीं पहने अगर आप लोगों को मिर्ची ज्यादा लगती है या फिर आप लोगों के हाथ सेंसिटिव हैं तो फिर आप लोगों ने ग्लव लाजी पहनने मिर्ची को मैंने बीच में से कट कर लिया है नाइफ की मदद से एक कट लगाने के बाद आप लोगों ने इसके ना सीड्स इस तरीके से रिमूव कर लेने हैं अच्छे से झाड़ झाड़ कर आप लोगों ने इसके रिमूव कर लेने हैं बीज अगर आप लोगों से नाइफ से मुश्किल हो तो फिर आप लोग ने स्पून भी ले सकते हैं छोटा स्पून लेके आप लोगों ने इसके बीज अच्छे से निकाल लेने हैं अच्छा आप लोगों ने एक कोशिश ये करनी है, कर है कि जब आप लोग मिर्चों को साफ कर रही हूँ तो फिर इसकी जो डंडी है वो बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए अब तमाम मिर्चियों को आप लोगों ने किसी भी एक बॉल में ऐड कर लेना है जो साफ़ कर ली है अब इसमें हम लोगों ने हसबू ज़रूरत पानी ऐड करना है और इसमें हम लोगों ने वन टेबल स्पून के करीब सिरका ऐड करना है व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे सिरके के पानी में हम लोगों नीठ नीठ में ने मिर्चों को ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है इससे ये हुआ कि जो मिर्चों की जो है मिर्चों की जो तेज़ी है वो कम हो जाएगी कहीं यहाँ तक ना जो मिर्चें वो बहुत ही ना हमारी बिल्कुल फीकी फीकी सी हो जाएगी अगर मिर्चें तेज़ होंगी ना तो फिर आप लोगों को ना खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इसलिए हम लोगों ने दस से पंद्रह मिनट के लिए इसको भिगो के रखना है काउंटर पर ही बैल मिर्च की फिलिंग की रेसिपी नोट डाउन कर लीजिए इसके लिए मैंने यहाँ पे आप कब के करीब चिकन लिया है और चिकन को ना मैंने बॉयल कर लिया था सिंपल पानी में इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था बस चिकन को अच्छे से बॉयल करने के बाद इसके रेशे कर लिए है चिकन की क्वांटिटी को आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं फिर इसमें हम लोगों ने टू टेबल स्पून के करीब मेयोनीस ऐड करनी है और मेयोनीस को भी आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं वन फोर टी स्पून हम लोग ने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है वन फोर टी स्पून ही हम लोगों ने इसमें नमक ऐड करना है अच्छा नमक को आप लोग अपने हिसाब से ना कम ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो हाफ टी स्पून औरिगेनो लीव्स ऐड करेंगे और ये इतना ज़बरदस्त लगता है ना इस फिलिंग में ज़रूर ऐड कीजिएगा ये जो रेस्टोरेंट में हाई रेस्टोरेंट्स होते हैं ना उनमें ये इस ज़बरदस्त फ्लेवर जो आ रहा होता है वो इसी का होता है आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है अब इसमें हम लोगों ने नेन फोर्थ कप के करीब चीज़ ऐड करनी है तो मैंने यहाँ पे मोजरेला और चाडर दोनों चीज़ें ली हैं आप लोग खाली मोजरेला भी ले सकते हैं और चाडर भी ले सकते हैं या तो चीज़ स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग इसको ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं क्योंकि चीज़ ही पैरी पैट्स बनती हैं आप लोगों ने इसमें चीज़ ऐड कर लेनी है अच्छा इसको ना आप लोगों ने और रिच बनाना हो तो फिर आप लोग इसमें वन टेबल स्पून क्रीम भी ऐड कर सकती हैं उससे भी ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं करी अच्छे से तमाम चीजों को आप लोगों ने मिक्स कर लेना है की क्वांटिटी कम तो आप लोग ज़्यादा भी ऐड कर हैं क्योंकि इसकी फिलिंग ना ड्राई नहीं होनी चाहिए अच्छे से तमाम चीजें मिक्स हो चुकी हैं वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मजेदार और न्यू न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फूड पे तेमरा के नेम से फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे भी पिक्चर वीडियोस टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ तो आप लोग वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी जल्दी से शेयर करना है ताकि वो लोग भी मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपने आप सबके साथ दस से पंद्रह मिनट बात खेंगे खेंगे शेयर कर रही हूँ आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो मिर्चें हैं उन्होंने थोड़े बहुत सीड्स रिमूव भी कर दिए हैं जो सीड्स रह गए होंगे ना वो अच्छे से निकल गए हैं इस पानी में अब इस पानी को आप लोगों ने अच्छे से फेंक देना है और ना मिर्चों को आप लोगों ने एक से दो दफा ना सिंपल पानी से धो लेना है ताकि जो सिरके का पानी है वो अच्छे से ना खत्म हो जाए मिर्चों को अच्छे से वॉश करने के बाद आप लोग ना सुखा भी लेना है कि ना मिर्चों में पानी बिल्कुल भी ना हो जब ये अच्छे से ड्रेन हो जाए तो फिर हम लोगों ने इसकी फिलिंग कर लेनी है जो कट्स हम लोगों ने लगाए थे इसमें हम लोगों ने अच्छे से फिलिंग ऐड करनी है फिलिंग को आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूंगी इसके अंदर आप लोगों ने फिलिंग ना सही मुनासिबी करनी है आप लोगों को कम रखेंगे तो फिर ये अच्छे से पैक नहीं हो पाएंगी और अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये बाहर निकल जाएंगी तो बिल्कुल जो हो लेना वो अच्छे से पैक होना चाहिए तो इतनी हम लोगों ने इसमें फिलिंग कर लेनी है और इस तरीके से ही आप लोगों ने तमाम मिर्चों की फिलिंग कर लेनी है अब इसकी बहुत ही क्रिस्पी सी कोटिंग तैयार करती है

अब कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक अदद अंडा लिया है और अंडे को मैं अच्छे से फेंट रही हूँ अंडे में हम लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना है अब एक पेरी पेरीबाइट उठा के आप लोगों ने सबसे पहले मैदे में ना डिप करनी है मैदे में अच्छे से कोट कर लेनी है सबसे पहले मैदे में हम लोग इसलिए कोट कर रहे हैं क्योंकि जो पेरी पेरीबाइट हैं जो मिर्चें हैं वो हमारी ना थोड़ी शाइनी होती हैं अगर हम लोग ना इसको अंडे में डिप करते हैं तो फिर अंडा इसके ऊपर ना कोट नहीं हो पाएगा वो ठहरेगा नहीं तो इसलिए हम लोग ने सबसे पहले मैदे में इसको कोट करना है फिर इसके बाद हम लोगों ने अंडे में डिप करना है और इसके बाद लास्ट में हम लोग ने ब्रेड ट्रम्पिस इसको अच्छे से कोट कर लेना है और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं आपको ना शेयर कर चुकी हूँ अगर आप लोग ने नहीं देखी तो आप लोग चेक कर सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं होम मेड ब्रेड क्रम्स रेसिपी बाय बाूड विध निमरा इजिली आप लोगों के सामने आ जाएगी वीडियो और पेरी ब्रेड्स की हम लोग ने डबल कोटिंग करनी है यानी कि ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप लोगों ने, लो ने अंडे में डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम में कोट करना है मैदे में नहीं करेंगे ब्रेड क्रम्स में करेंगे तो ये ना अच्छे से सिक्योर हो जाएंगी ऑयल में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर भी ईजिली कर सकते हैं फ्रीजर में इसलिए हम लोगों ने इसकी डबल कोटिंग करी है इस तरीके से हम लोगों ने तमाम पेरी बैड्स को ना बना लेना है कुछ से कोट कर लेना है पेरी बैड्स को आप लोग एक महीने के लिए फ्रीजर में ना स्टोर करके इजीली रख सकते हैं बस शर्त यह है कि आप लोग ना कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं या फिर ना एयर टाइट बैग ले सकते हैं उसमें आप लोगों ने इसको स्टोर करके रखना है फ्रीजर में एक महीने से ज्यादा के लिए भी अब मैं इनको ना आपको फ्राई करके भी दिखा रही हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है पेरी बैड्स को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे हंसबे जरूरत ऑयल लिया है और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे जैसे बस इसमें हल्के हल्के बबल्स हों तो हम लोगों ने इसमें पेरी बैड

आ जाए तो फिर आप लोगों ने इनको डिश आउट कर ले माशाला माशाला से क्रिस्पी चीजी ही हमारी रेडी हो चुकी है इनकी तरह क्रिस्पीनेस की आवाज सुन लीजिए अब पेरी मैट्स को कट करके भी दिखा देती हूँ कि इसका अंदर का रिजल्ट कैसा है ये चेक कीजिए जबरदस्त चीजी चीजी सा जो इसका रिजल्ट है ना ओए होए। ये आप लोग जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आज मैं आप सबके साथ रमज़ान में इफ्तार के लिए बहुत ही क्विक एंड इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वोन्टोन्स की बहुत ही टेस्टी बनते हैं बहुत ही कम वक्त में बनते हैं इस रेसिपी में ना तो कोई आटा गूंदना पड़ेगा और ना बेलना पड़ेगा तो बहुत ही आसान सी बॉन्टोन्स की रेसिपी होने वाली है और बॉन्टोन्स को आप लोग एक दफा बना लीजिए पूरा महीने इजिली स्टोर कीजिए तो जल्दी से बस मेलमानी रायपर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं मॉन्टोन के लिए बहुत ही मजेदार सी फिलिंग रेडी करती हैं तो मैंने यहाँ पे हाफ कप के करीब चिकन लिया है और उसको अच्छे से बॉइल कर लिया है चिकन को बॉआल करते हुए मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था ना नमक ना काली मिर्च न लहसन रख का पेस्ट बस चिकन को आप लोगों ने बॉयल करने के बाद इसके रेशे कर लेने अब इसमें बहुत ही कम से स्पाइसिस ऐड करेंगे तो काली मिर्च का पाउडर एड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब और साथ ही इसमें हम लोगों ने चिकन पाउडर एड करना है वन फोर टी स्पून बहुत ही मजे का फ्लेवर देता है जरूर एड कीजिएगा फोर टी स्पून ही हम लोगों ने नमक ऐड करना है नमक को और न स्पाइस को आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकती हैं वन टेबल स्पून आप लोगों ने चॉप करके शिमला मिर्च को ऐड कर देना है जितना चिकन ले उस हिसाब से आप लोगों ने शिमला मिर्च को ऐड कर देना है इसके बाद हम लोगों ने एक बॉइल्ड एग लेना है और बॉइल्ड एग को हम लोगों ने ना चॉप कर लेना है मोटा मोटा सा कि इसके ना खाते हुए ना चंक्स मुँह में आए तो इस तो तरीके से फॉक से ही हम लोग इसको ना थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं और ये बॉन्टोन्स की जो फिलिंग है ना ये बहुत ही टेस्टी बनती है इस रेसिपी से ना ज़रूर आप लोग मॉन्टोन्स ट्राई कीजिएगा फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें थ्री टेबल स्पून के करीब मेयोनीस ऐड कर देनी है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मेयोनीस को आप लोग अपने हिसाब से ना कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इतना मिक्स कर लेते हैं कि इसका ना एक पेस्ट सा बन जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार ना फिलिंग हमारी रेडी हो गई है इसमें आप लोग अपने हिसाब से ना वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद है बॉन्टोस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मांडा पट्टी ली है और ये ना रोल पट्टी है जिसमें ना रोल बनते हैं आप लोग ना समोसा पट्टी भी ले सकते हैं है। बस आप लोगों ने इसको ना थ्री बाई थ्री इंच में कट कर लेना है और इतने सारे बॉन्टोन्स हमारे रेडी हो जाएंगे इस तरीके से कट करने के बाद आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर बन रहा है या नहीं आप लोगों ने इसको बीच में से इस तरीके से कही तो ट्राइंगल परफेक्ट बन रहा होगा बॉन्टोन्स को पैक करने के लिए मैंने यहाँ पे स्लरी रेडी कर है जिसमें मैंने मैदा लिया है और उसमें जरूरत पानी लिया है बस इन दोनों चीजों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है हमारी ग्लू या स्लरी रेडी हो चुकी है को पैक करने के लिए अब आप लोगों ने एक मांडा पट्टी लेनी है उसमें ना आप लोग लो अपने हिसाब से कम ज्यादा फिलिंग रख सकते हैं लेकिन आप लोगों ने बहुत ज्यादा फिलिंग इसमें ऐड नहीं करनी फिर जो है ना आप लोगों से पैक नहीं हो पाएंगे वॉन्टॉन्स अब शीट्स की चारों तरफ आप लोगों ने अच्छे से स्लरी लगा लेनी है क्योंकि अब हम लोगों ने इसको पैक करना है तो स्लरी आप लोगों ने अच्छे से लगा लेनी है इसके बाद आप लोगों ने इसके दो कॉर्नर्स उठाने हैं और इस तरीके से ना पिंच कर देना है और हल्का सा होल्ड करना है ताकि ना स्टिक हो जाए आपका जो शीट्स की ना एक एक साइड बच चुकी है इसको वन बाय वन करके हम लोगों ने अटैच कर लेना है इसको भी हम लोगों ने अच्छे से प्रेस करके ना पकड़ के रखना है तो जबरदस्त सा जो वॉन्टोन ना हमारा रेडी हो जाता है जिसकी साइड्स खुली हुई है इसको अच्छे से आप लोगों ने पैक कर लेना है क्योंकि ना इसमें ऑयल बिल्कुल भी ना जा पाए बहुत ही आसान है ये वॉन्टोन बनाने आप लोग ना इस रेसिपी से और इस तरीके से ना आप लोगों ने ज़रूर बनानी है मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझा सकूँ तो एक और वॉन्टोन आप लोग चेक कर लीजिए कि किस तरीके से मैं बनाऊँ रही हूँ चिकन मोन्टोन की है, मैं दूसरी वीडियो शेयर कर रही हूँ पहले भी मैं एक शेयर कर चुकी हूँ अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो चेक कर लीजिएगा उसमें जो मैंने फिलिंग करी थी वो मैंने चिकन के कीमे से करी थी और उसकी जो शेप थी वो भी चेंज थी आप लोग चाहें तो उस शेप में भी बना सकते हैं बस आप लोगों ने यही सर्च करना है यूट्यूब पे चिकन मोन्टोन रेसिपी बाय बुड विद तमाम मोन्टोन्स हमारे बन चुके हैं अब इस स्टेज पे आप लोग इसको ना एयर टाइट कंटेनर या बॉक्स में ना right. फ्रीज करके इजिली स्टोर कर सकते हैं लेकिन मैं इनको फ्राई कर रही हूँ अब मोन्टोन्स को फ्राई करने के लिए मैंने ही कढ़ाई में हजब ऑयल ऐड किया है और ऑयल को आप लोगों ने हल्का सा गर्म कर लेना है ठंडे ऑयल में आप लोगों ने बॉन्टोन से ऐड नहीं करने हल्के से गर्म ऑयल में ही ऐड करेंगे वरना क्या होगा अगर ये ठंडा ऑयल होगा तो फिर जो है ना आपके बॉन्टोन्स खुल भी सकते हैं इनमें ऑयल भी जा सकता है और ये ऊपर से तो जल्दी से इन पे कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं वैसे इसकी फिलिंग जो है वो तो कुक है पूरी लेकिन बॉन्टोन की शीट्स को भी हम लोगों ने अच्छे से कुक कर लेना है बॉन्टोन्स को हम लोगों ने तकरीबन सात से आठ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ना फ्राई करना है और इसको आप लोगों ने ऊपर नीचे करते हुए फ्राई करना है ताकि जो है ना हमारे बॉन्टोन्स अच्छे से क्रिस्पी और इवन कलर पर जब आप लोगों के पे न कलर आज ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाए सात से आठ मिनट बाद तो आप लोगों ने इनको डिश आउट कर लेना है आप सब बॉन्टोन्स की क्रिस्पी आवाज सुन लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान स्पेशल इफ्तार स्नैक्स वॉन्टोन्स हमारे रेडी हो चुके हैं बहुत ही टेस्टी क्विक एंड इजी सी रेसिपी है जल्दी से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग इन्हें वॉन्टोन का ज़रा क्लोजा भी चेक कर लीजिए अब मैं इसको ना आपको एक कट करके दिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सो ये वन बाइट ना बने और आप लोग इसको ढेर सारे बना के बहुत ही मज़े से इन्जॉय कर सकते हैं स्टोर भी इजिली कर सकते हैं आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट ओरिजिनल शामी कबाब या फिर रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ घर के मसालों और बग़ैर मशीन के ये रेशा कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये कबाब बना के आप लोग दो महीने के लिए इसको स्टोर भी इजीली कर सकते हैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ तो बसमिल रहा हम रही पढ़ के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं शामी कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा किलो के करीब बोनलेस बीफ का यूज कर रही हूँ बोटियों को मैंने मोटा मोटा ही रखा है इसके रेशे बहुत ही अच्छे निकलेंगे इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग मटन और चिकन के भी शामी कबाब ईजिली बना सकते हैं अब इसमें भीगी हुई चने की दाल शामिल करेंगे मैंने यहाँ पे एक पाव के करीब चने की दाल ली है जितना भी गोश हो उससे आप लोगों ने हाफ क्वान्टिटी में दाल लेनी है दाल को मैंने आधे घंटे पानी में भिगो के रख दिया तब इसका पानी अब मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और दाल को आप लोगों ने इस पैन में शामिल कर देना अब इसमें हम लोगों ने हाफ टेबल स्पून के करीब लहसुन रख का पेस्ट शामिल करना है पेस्ट के बाद इसमें हम लोगों ने एक अदर दरमिया साइज का प्याज को बारीक बारीक कट करके ऐड कर देना है अब इसमें हम लोगों ने साबुत गर्म मसाला शामिल करना है तो वो नोट डाउन कर लीजिए जिसमें मैंने एक तेजपात का पत्ता लिया है हाफ टी स्पून इसमें हम लोगों ने सफेद जीरा शामिल करना है छोटा टुकड़ा हम लोगों ने दालचीनी का शामिल करना है दस से बारह अंदद आप लोगों ने साबुत काली मिट्टी शामिल करनी है और पांच से छत लॉन्ग शामिल करेंगे एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे अब इसमें हम लोगों ने बहुत ही कम से स्पाइस शामिल करने तो वो भी नोट no डाउन कर लीजिए हाफ टेबल स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून कटी हुई मिर्ची शामिल करेंगे वन फोर टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और वन टी स्पून भर के सूखा धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसमें आप लोगों ने हाफ टेबल स्पून के करीब नमक शामिल करना है नमकों और स्पाइसिस को आप लोग अपने हिसाब से जायके के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकते है। अब इसमें हम लोगों ने हंसबे जरूरत पानी शामिल कर देना है मैं तकरीबन यहाँ पे एक जग के करीब पानी शामिल कर रही हूँ बस पानी आप लोगों ने इतना शामिल करना है कि तमाम चीजें अच्छे से डूब जाए क्योंकि हम लोगों ने गोश्त को भी गलाना है और दाल को भी गलाना है अगर आप लोग कुकर में गोश को गलाते हैं दाल को गलाते हैं तो फिर तो आप लोगों को पानी भी कम ऐड करना पड़ेगा और टाइम भी कम लगेगा लेकिन अगर आप लोग पतीले में पैन में करते हैं तो फिर पानी भी आप लोगों को ज्यादा डालना है और ना आपको गोश्त गलाने में भी टाइम ज्यादा ही लगे तो मैं पैन में गोश्त को और दाल को गल रही हूँ तो तकरीबन इसमें आप लोगों को 40 से 50 मिनट लगेंगी तो 40 से 50 मिनट बाद का रिजल्ट मैं आप सबके साथ अब शेयर अब मैं आप सबके साथ 40 से 50 मिनट बाद का रिजल्ट शेयर कर रही हूँ अब इसका हम लोग कवर हटा लेते हैं और स्लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए इसको 40 से 50 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग चेक कर सकते हैं गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है और दाल भी गल चुकी है गोश्त का इस तरीके से एक एक क्रेश अलग होना चाहिए इतना ही हम लोगों को कम्पलीटली गोश्त को गलाना है अगर गोश्त में कसर होगी तो आप लोग ने थोड़ा पानी शामिल कर देना है ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए अब इसमें जो हम लोगों ने साबुत गर्म मसाला शामिल किया था से तेज़ बात का पत्ता बड़ी इलायची और दारचीनी का पीस ये आप लोगों ने निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है लोंगे और काली मिर्ची को हम लोग नहीं निकालेंगे अब बस आप लोगों ने अब इसकी फ्लेम हाई कर दे रही है और जितना भी आप लोगों को अब इसके अंदर पानी लग रहा है उसको आप लोगों ने सुखा लेना है अच्छे से ड्राई कर लेना है इसका मिक्सचर चम्मच आप लोगों ने मुसलसल चलाते रहना है और मीडियम हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है चम्मच चलाने से ये फायदा होगा कि जो बोटी का रीशा है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा और दाल भी काफ़ी हद तक ना पिसना शुरू हो जाएगी तो चम्मच चलाते हुए इसका सारा पानी आप लोगों ने अच्छे से सुखा लेना है ये आप जरा चेक कीजिए ज़बरदस्त सा जो है ना मसाला हमारा ड्राई हो चुका है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है बूटियों का रीशा भी अच्छे से खुल चुका है और दाल भी काफी हद तक न पिस चुकी है लेकिन अभी दाल का पूरा तरीके से दाना कम्पलीटली खत्म नहीं हुआ है और ये मिक्सर न शामी कबाब जैसा नहीं लग रहा तो आप लोगों ने अब इसकी फ़्लेम ऑफ़ कर देनी है और गरम गरम के अंदर इसको पीस लेना है आप लोग यहाँ पे जो हलीम घोटने वाला होता है उससे भी घोट सकते हैं इसको पीस सकते हैं गरम गरम में ही लेकिन अगर आपके पास वो ना हो तो फिर आप लोग चट्टू बट्टा ले सकते हैं या फिर जो हिमाम दस्ता होता है उससे भी आप लोग इस तरीके से चलाएँगे तो ये ना बहुत अच्छे तरीके से ना दाल का जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा लेकिन आपने ये काम गर्म गर्म में ही करना है अगर ये मिक्सर ठंडा हो जाता है तो फिर आप लोगों को मुश्किल होगी इस मिक्सर को बग़ैर मशीन के ज़रिए पीसने में तो आप लोगों गरम गरम में फटाफट से ये काम कर लेना है और ये जरा आप लोग चेक कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से इसकी मदद से हम लोगों ने शामी कबाब का मिक्सचर पीस लिया है बगैर मशीन के बहुत अच्छे से ये कबाब हमारे रेडी होंगे दाल का दाना अच्छे से कम्पलीटली खत्म हो चुका है और जो बूटी का रेशा है वो बहुत अच्छे से ना खुल चुका है अब शामी कबाब के मिक्सचर को आप लोगों ने किसी भी बॉल में निकाल लेना है उसको कंप्लीटली ठंडा कर लेना है जैसे ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देना है तकरीबन वन टेबल स्पून करीब बारीक बारीक सा कट करके धनिया को आप लोग अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ अब आपकी मर्जी है कि मिक्सचर में आप लोग अंडा शामिल करना चाहें तो कर लीजिए या तो फिर आप लोग ना कबाब का मिक्सचर रेडी करके कबाब शेप करने के बाद भी अंडे में इसको कोट करके फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं इसका मिक्सचर में अंडा ऐड कर रही हूँ ऊपर से बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे इस तरीके से और अंदर से बहुत ही नरम मुलायम रेशेदार होंगे यह आप सबके मर्जी पे डिपेंड करता है आप लोग इसको कैसा बनाना चाहिए जाते हैं अंडा और धनिया डाल के आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्सचर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है तो शामी कबाब की हम लोग शेप दे लेते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग ना हाथों को ग्रीस कर लीजिए अब थोड़ा सा मिक्सचर आप लोगों ने हाथों में लेना है और उसको आप लोगों ने इकट्ठा कर लेना है पहले आप लोगों ने एक बॉल बना लेनी है बॉल बनाने के बाद आप लोगों ने उसको फ्लैट करके इस तरीके से कबाब की शेप दे, दे देनी है कबाब की शेप देना बहुत ही आसान काम है आप लोग इस तरीके से बहुत ही आसानी से शामी कबाब रेडी कर सकते हैं इसी तरीके से हम लोगों ने तमाम शामी कबाब की अच्छे से शेप दे देनी है शेप देने के बाद आप लोग चाहें तो इसको आप फ्रीज़र में स्टोर भी करके रख सकते हैं तकरीबन ये आप लोग दो महीने के लिए भी रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं की है कि न इन कबाब को जल्दी ख़राब कर दें तो ईज़िली आप लोग आराम से उसको स्टोर करके रखिए फ्रीज़र में किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या फिर एयर टाइट बैग में और अगर आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हैं बस मैंने पैन में इस भी ज़रूरत ऑयल शामिल किया है और ऑयल को आप लोगों ने हल्का सा गर्म कर लें कबाब को हम लोग ने डीप फ्राई नहीं करना शेलो फ्राई करना है अब एक एक करके आप लोगों ने कबाब को ऑयल में शामिल कर देना है आप लोग चाहें तो ना कबाब को अंडे में दोबारा से कोट करके ऑयल में फ्राई कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट फ्राई करने से ना ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं और अंदर से नरम मुलायम से रेशेदार होते हैं तो इस तरीके से भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं बस जैसे ही एक साइड पर थोड़ा सा कलर आ जाता है तो फिर आप लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है और तकरीबन आप लोगों ने इसको छ से सात नट अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ़्राई कर लेना है और जैसे ही दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं तो आप ने इनको डिश आउट कर लेना है माशाल्लाह माशाल्लाह से मज़ेदार बीफ शामी कबाब रेशेदार कबाब हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं आप लोग ज़रा इसका फाइनल लुक भी चेक कर लीजिए और करीब से भी चेक कर लीजिए कितने ज़्यादा ही ऊपर से क्रिसपी लग रही हैं ना अब मैं एक आप लोग को तोड़ के दिखा देती हूँ कि ज़बरदस्त से अंदर से रेशेदार हैं जो भी ये खाएगा वो आप लोगों की इतनी तारीफें करिएगा ना इसकी रेसिपी भी आप सबसे पूछिएगा ये देखें सुबह नबहान अल्लाह अल्ला कबाब में से रेशे किस तरीके से निकल रहे हैं उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आई क्यू की यहाँ तक दिख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए बीफ शामी कबाब के साथ नमक काली मिर्च का आप लोगों ने रायता सर्व करना है सलाद हो और साथ में चपातियाँ तो बेस्ट कॉम्बो हो जाता है ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी सीखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जल्दी चैनल को शेयर कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट रेसिपी या वीडियो में मिलते हैं दुआओं में याद रखिएगा हाफिज